बैराड़ संकुल प्राचार्य की कुर्सी को लेकर चल रही तनातनी के शिकार हुए अतिथि शिक्षक। खबर संकुल बैराड़ से है, जहां पर बैराड़ संकुल प्राचार्य की कुर्सी को लेकर कुछ शिक्षकों में तनातनी और खींचतान जारी है, जिसका शिकार हो रहे हैं उसी संकुल के कुछ अतिथि शिक्षक, जो कि कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अधिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। आर्थिक शिक्षक साथ ही कर्ज लेने के लिए हो रहे हैं मजबूर। पुराने सत्र से लेकर आज दिनांक तक नहीं डाला गया अतिथि शिक्षकों का वेतन, जिसको लेकर आज अतिथि शिक्षकों ने बैराड़ संकुल पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और संकुल प्राचार्य पर लगाए वेतन ना डालने के आरोप। अतिथि शिक्षक धीरज तोमर ने कहा कि अगर हमारा वेतन नहीं डाला जाता है तो क्या हम अपने बच्चों को जहर देकर आत्महत्या कर लें। जिसके बाद संकुल प्राचार्य अशोक कनकने ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व संकुल प्राचार्य अवधेश सिंह तोमर ने पूर्ण रूप से बैराड़ संकुल का प्रभार नहीं सौंपा है, जिसके कारण कई अतिथि शिक्षकों की वेतन रुकी हुई है। साथ ही संकुल प्राचार्य अशोक कनकने ने कहा कि इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण पूर्व संकुल प्राचार्य अवधेश सिंह तोमर ही हैं, जो कि संकुल का प्रभार सौंपने की वजह मेडिकल लीव ले छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके कारण संकुल की पूर्ण व्यवस्थाएं ठप हो गईं। अब देखना होगा कि ये संकुल प्राचार्य की कुर्सी को लेकर चल रही तनातनी और खींचतान क्या मोड़ लेती है, या फिर किसी प्रकार से स्कूल के शिक्षक इसी प्रकार की समस्याओं से जूझते रहेंगे। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नाम धीरज तोमर है। क्या कुछ मामला पूरा है, आप ये यहाँ पर कैसे उपस्थित हुए? आप हमें परेशान किया जा रहा है संकुल प्रभारी द्वारा, और आज दिनांक तक हमारा वेतन नहीं दिया गया। एक महीने पहले बजट आ चुका है हमारा, और ये हमसे ये बोलते हैं कि तुम पौरी जाओ, वो पौरी वाले बोलते हैं कि आप बैराड़ जाओ, लेकिन हमें गुमराह किया जा रहा है। अपनी संस्था में तो ये काम करवाते हैं, लेकिन पैसा हमको नहीं दिया आज तक, और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है हमको संकुल प्रभारी द्वारा। मतलब किस सत्र का वेतन बकाया आपका? पिछले सत्र, अगले साल का 22-23 का। कुल मिलाकर कितनी वेतन रुकी हुई है? मेरी वेतन रुकी हुई है जी, मानो आप 3 महीने पिछले, वो 2 महीना ये हो गए हैं, तो 5 महीने की वेतन है, 5 महीने यानी 40,000 रुपये। तो किसके द्वारा ये फाइलों का ट्रांजैक्शन किया जाता है? ट्रांजैक्शन संकुल प्रभारी द्वारा किया जाता है। संकुल प्रभारी कौन है यहाँ पे? ये प्रकाश कनकने नाम करके आए हैं यहाँ, और इन्होंने सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ कर दी हैं यहाँ की संकुल की। प्रकाश कनकने, अशोक कनकने, सॉरी। वो क्या कहते हैं इस मामले में? वो ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे पास तुम्हारी नियुक्ति की फाइल नहीं आएगी, तब तक कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। तो कितने साल से आप संस्था से जुड़े हुए? मैं 14 सत्र से काम कर रहा हूँ लगातार यहाँ। फिर भी पहले भी आपको वेतन पहले आज तक कभी कोई समस्या नहीं हुई आज तक, आज दिनांक तक। और जैसे ही बजट आता था हम लोगों का पैसा आ जाता था, लेकिन इस शस्त्र में इन्होंने ऐसा नाटक किया है कि पैसा तो कम से कम 40 बच्चों के पैसे रोक रखे हैं। कोई मूल कारण है इस बात का? कोई कारण नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है अतिथियों को, और कोई कारण नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण हो रहा, हमारे पैसे हमें दे दिए जाएँ, ताकि हमारे परिवार चल सकें। काम तो इनकी संस्था में करते हैं, हम बच्चों को जहर दे दें क्या? हमारे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, और स्कूल डेली जाना है। अगर एक दिन स्कूल नहीं जाओ तो एब्सेंट लगा देते हैं ये लोग। स्कूल रोज जाना है पढ़ाने बच्चों को, और पैसा है नहीं हमारे पास, कैसे काम चलेगा बताओ। तो संकुल प्राचार्य को आपने यहाँ पर आने का बोला है? मैंने कल संकुल प्राचार्य से बात की, तो वो ये बोल रहे हैं कोई पेमेंट नहीं होगा तुम्हारा जब तक फाइलें नहीं आ जाएंगी। फाइलों का तो अब हमारे ऊपर तो जिम्मेवारी नहीं है, जैसे सत्र चालू होता है शाला के द्वारा फाइलें भेज दी जाती हैं संकुल पर। अब पहले संकुल प्रभारी कौन था, वो फाइल क्यों नहीं दे रहा, ये इनका मैटर है, ये विभागीय काम है। लेकिन हम लोगों को क्यों रेला जा रहा है बीच में, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम लोगों का शोषण क्यों हो रहा है? हमें तो हमारे पेमेंट से मतलब है। रही बात फाइल की, तो फाइल ये विभाग के लोग जाने क्यों फाइल नहीं दे रहे हैं, क्यों चार्ज एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं, इस मैटर में आती है कोई रोल? फाइल विभाग ये कार्यालय में फंसी हुई है और अब तक भुगतान नहीं किया। हमारा भुगतान नहीं है, फाइल जो पहले अवधेश तोमर थे संकुल प्रभारी, उनके पास सारी फाइलें हैं। अब ये क्या कारण है कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं इनको फाइल, या इनको दे दी है, या ये हमें गुमराह कर रहे हैं? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है फाइलों से, हमारा सिर्फ एक ही मैटर है कि हमें हमारी पेमेंट मिलना चाहिए। और कोई आपने पूर्व संकुल प्राचार्य से बात की है? सबसे बात कर ली गुरु, और हमें वो ये कहते हैं कि प्रकाश जी हैं वहाँ पे, अशोक जी परिवार में वो ही करेंगे तुम्हारा। इनके पास आते हैं ये बोलते हैं आप पौरी जाओ, पौरी DDO के पास जाते हैं पातिराम सर के पास, वो बोलते हैं कि तुम्हारी जानकारी वहाँ से संकुल से नहीं भेजी जा रही है। इसकी आपने कहीं वरिष्ठ अधिकारी से कंप्लेंट नहीं की? करंट 181 कुछ लड़कों ने लगा रखी है, और नेक्स्ट मंगलवार को अगर हमारा वेतन आता तो ठीक है, नहीं जनसुनवाई में भी जाएंगे हम लोग। क्या कर रहे हैं, बच्चों को तो पालना है, पैसा तो है नहीं हमारे पास, और ये पेमेंट करवा नहीं रहे हैं। रूप सिंह को क्या कुछ मामला है, आप कैसे आए आप? पिछले सत्र का वेतन नहीं मिला इसलिए आए। मामला क्या पूरा समय आप जरा हमें? मामला यही है कि वेतन नहीं डाल रहे हैं, पिछले सत्र का 2 महीने का आ गया, 1 महीने का हमारा रह गया। इसका कोई कारण है? जिसका कारण पता नहीं है, मतलब ये संकुल वाले जाने आप क्या करते हैं। संकुल प्राचार्य से आपने बात की है? संकुल प्राचार्य से हमने तो करनी करिए बात की, सर ने कही थी। वो क्या कहते हैं?
अब वो बोलती हैं कि हमने तो भेज दिया है, बिल भेज दिए हैं, सब भेज दिया है, पता नहीं है क्यों। कितने अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं डाला? कम से कम करीबन आधे अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं डाला, आधे नोटल चुका है। कितने अतिथि शिक्षक यहाँ पे हैं वैसे? कम से कम 250 हैं। मुझे आज तक इस संकुल प्राचार्य द्वारा, पूर्व प्राचार्य द्वारा इस विद्यालय कोई भी चार्ज नहीं दिया गया। तो किन कारणों से चार्ज नहीं दिया गया? अब ये तो वो ही जान सकते हैं, उनके द्वारा मेडिकल भेज दिया गया, आज खुद भेजा है मेडिकल, पूर्व में भी भेजा गया, आज फिर मेडिकल भेज दिया गया। संकुल प्राचार्य कौन थे? श्री अवधेश सिंह तोमर, उनके द्वारा आपको चार्ज कोई चार्ज नहीं दिया गया। ठीक है, ओके।